हेलो गाइस, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Zoom H1n Recorder की। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हाय गाइस, तो अब हम तैयार हैं Zoom H1n हैंडी रिकॉर्डिंग की अनबॉक्सिंग के लिए। तो ये हमारे सामने Zoom H1n का पैकेज। तो पैकेज तो काफ़ी अच्छा है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। Zoom वी आर फॉर क्रिएटर्स, नाइस टैगलाइन। उसके बाद फोटो है, उसकी फीचर्स हैं और ये इसका MRP इसका है 8629, बट मुझे ये अमेज़ोन से 5999 का पड़ा, 6000 का मुझे ये पड़ा। और इसके फीचर्स कुछ देख लेते हैं। फीचर्स में है कि XY माई डिज़ाइन कैप्चर्स परफेक्ट स्टीरियो इमेज, तो ये सो एक्स और वाई दो माइक्रोफोन्स कहा गया है इसको। रिकॉर्ड्स अप टू ऑडियो अप टू 24 बिट 96 kHz वेव फॉर्मेट, और MP3 फॉर्मेट भी है, और 1.25 इंच मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले। तो LCD डिस्प्ले भी अच्छा है इसका, वन टच बटन कंट्रोल्स एंड ऑल, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए फिर इसे खोलते हैं। Let's move. खुल जाओ, खुल गया। निकल गया हमारा बॉक्स, दो बॉक्स। ओके, मैनुअल कौन पढ़ता है इसको, इसको किनारे रख दो। और अब हम देखेंगे। ओके, सेल भी है इसके अंदर, AAA बैटरीज है ये दो, और ये हमारा रिकॉर्डर। ओके, कूल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हल्का है ये। आई थॉट कि ये लैपटॉप अडॉप्टर के जैसा होगा वेट उसका, बट काफ़ी हल्का लग रहा है यार ये। वेट इसका कुछ लिखा क्या है? वेट तो इसका यहाँ लिखा नहीं है शायद, कोई बात नहीं। ऑनलाइन मैंने मंगाया तो उसमें इसके फीचर्स लिखे होंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब 100 ग्राम से भी कम वेट है इसका, मेरे ख्याल से 50-60 ग्राम तक होगा, काफ़ी हल्का है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, भले प्लास्टिक है ये बट उसकी वजह से ये हल्की है और अच्छी लग रही है, लाइट वेट, सुंदर भी है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। LCD डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इसका, क्लियर है बहुत। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो साइड में देखते हैं तो लाइन इन माइक्रोफोन, यानी आप इसको ऑडियो रिकॉर्डर तो है ही, साथ में ये ऑडियो इंटरफेस भी है। अगर आप चाहो तो एक अलग से इसके अंदर माइक्रोफोन लगाकर, माइक लगाकर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वालिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको। और ये माइक्रो SD स्लॉट है, देखते हैं। ओके, नाइस। और ये आपका डिलीट लग रहा है, ये आपका सेटिंग होल्ड है, USB है। ओके, इस साइड इसका हेडफोन लगाने के लिए हेड जैक 3.5 mm लगा सकते हो आप, और मॉनिटर कर सकते हो अपनी आप रिकॉर्डिंग को, वॉइस को, और वॉल्यूम से आप प्लस माइनस से आप अप डाउन कर सकते हो उस हिसाब से। और सामने देखते हैं तो एक तो हमारा XY माइक्रोफोन है ही, बड़ा अच्छा माइक्रोफोन है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसकी। और ये गेन लेवल है आपका, ओके, 10 तक है, 0 से। तो गेन लेवल जो है मैंने देखा वो 6 to 10 सबसे बेस्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन लेवल उसके लिए, ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और साथ में इसके कई बटन्स हैं, ऑडियो, ओके, लोकट लिमिटर, ऑटो लेवल, रिकॉर्ड ऑप्शन, स्टॉप, प्ले पॉज, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट प्रीवियस है सब, ठीक है। ओके, तो चलिए इसकी बैटरी लगाते हैं। ओके, आराम से, ओके, 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 टूटा नहीं, बच गया। लग गया। ओके, तो अब इसको ऑन करेंगे हम। SD कार्ड भी लगा लेते हैं, एक मिनट मैं लगा के आता हूँ। तो मोबाइल से मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको लगाता हूँ। ओके, लग गया, बंद कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं। ऑन जो है यहीं से होगा,
इसको प्रेस करते हैं। ओके नाइस, ये ऑन हो गया। ओके तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 13:53 अभी टाइम दिखा रहा है। और ये बटन देखते हैं अब क्या है, ऑडियो, इससे आप MP3 फॉर्मेट 320K। ओके आप फॉर्मेट बदल सकते हो 96 MP3। ओके MP3 में 320 बहुत अच्छा होता है। और लो कट आपका है, ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। लो कट क्या करता है, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना छोटी वाली, जैसे मान लीजिए जैसे हमारी ह्यूमन वॉइस जो है लगभग 80 Hz के तो ऊपर होती है, तो अगर आप कम कर दोगे उससे, तो जैसे मान लो 160 कर दोगे तो आपकी वॉइस भी कम हो सकती है, बास लेवल वगैरह। तो अगर 80 Hz रहता है सही रहता है, छोटी छोटी आवाज़ें जो होती हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। लिमिटर है, हाँ लिमिटर वो है कि मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हो कहीं पे और आप फिर पॉज हो जाता है मतलब, तो उसके वजह से क्या होगा, एम्बिएंट नॉइज़ आने लगेगी ना बीच वाली पॉज वाली, तो इसको ऑन कर देने से क्या होता है वो वाली चीज़ें नहीं आएंगी, जब आप बोलोगे तभी आएगी। बट अगर आप कॉम्पैक्ट रूम में हो, जैसे मैं हूँ रूम में हो नॉर्मली, तो रिकॉर्ड करोगे तो बेस्ट है उसके लिए। फिर है ऑटो लेवल, ऑटो लेवल हाँ ये है गेन लेवल जैसा है, जैसे मान लो आप गेन क्या करता है कि इंटेंसिटी बढ़ा देता है आपकी, तो अगर आप ऑटो लेवल सेट कर दोगे तो कोई जैसे मान लो बाहर हो मेले वगैरह में हो बाहर हो, तो अगर कोई अचानक से आवाज़ तेज आ गई जैसे किसी हॉर्न की, तो वो क्या होगा ना तेज हो जाएगा, तो ऑटो लेवल से क्या होगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा उस लेवल को कि मतलब किस हिसाब से उसको चाहिए। तो फिलहाल तो ऑफ रहना चाहिए, नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ रखो हर चीज़, बाकी रिकॉर्डिंग करना चाहिए। और क्या क्या था इसमें, रिकॉर्डिंग है, चलिए रिकॉर्ड करके देखते हैं फिर। दबाया मैंने, ओके नाइस रिकॉर्ड हो रहा है। ओके रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हो बाहर यहाँ पे ये एल और आर है, लेफ्ट और राइट, स्टूडियो है क्योंकि, तो ये दोनों माइक मिलके स्टूडियो काम करते हैं, तो अच्छे साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ओके नाइस, और रिकॉर्ड हो रहा है साथ में, ये साथ में बगल में आपका माइक्रो USB पोर्ट है, इसे आप लैपटॉप से कनेक्ट करके सीधा आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसको उसमें डाल के अपना जो भी करना हो आप कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह। ओके चलिए तो मैं इसे स्टॉप करते हैं। ओके स्टॉप करते हैं, 31 सेकंड की है, रिकॉर्ड भी प्ले करते हैं, इसके साथ स्पीकर भी है तो इसमें आवाज़ शायद सुनाई भी देगी, देखते हैं। ओके ये मेरी आवाज़, हाँ आवाज़ काफ़ी कम है इसकी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ईयरफोन का ही यूज़ करके लगा के सुनिए, वो ज़्यादा बेटर है, देख सकते चल रहे हैं सही है। बट ठीक है कितना देंगे, रिकॉर्डर है बोलना नहीं चाहिए हमें, ये स्पीकर नहीं है रिकॉर्डर है, तो स्पीकर दे दिया है तो ये प्लस पॉइंट है, बोनस है, बट ठीक है। अच्छा इसे स्टॉप कर देते हैं, ये स्टॉप हो चुका है इस समय। ओके 13:52 दिखा रहा है अभी, पहले 53 दिखा रहा था, तो थोड़ा कम हो गया है, रिकॉर्डिंग हमने क्योंकि की है और काफ़ी यार अच्छा लग रहा है ये मुझे तो। ओके नाइस, तो चलिए अब इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि ये कैसा ये रिकॉर्डिंग करता है। फिलहाल तो आप जो सुन रहे थे वो मोटो J6 मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा था अभी तक, तो इसकी आवाज़ ऑब्वियस है कि मोबाइल जैसी होगी, नॉर्मली होगी, बहुत ख़राब भी नहीं बहुत अच्छी भी नहीं, तो क्योंकि इतना पैसा लगा है तो अच्छी रिकॉर्ड वॉइस जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, तो लेट्स सी कि ये कैसी वॉइस रिकॉर्ड करता है। हेलो गाइस, और अब आप देख सकते हैं कि मैं Zoom H1n हैंडी रिकॉर्डर की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और आप जो इस समय आवाज़ सुन रहे हैं वो डायरेक्टली Zoom H1n रिकॉर्डर से है। और मैंने एक मिनी ट्राईपॉड स्टैंड यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने रिकॉर्डर को माउंट किया है ताकि ये स्टेबल रहे। और मैंने दो और चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक ये पॉप फिल्टर जो गोल्स आप देख रहे हैं, और एक शील्ड कवर जो मैंने माइक के ऊपर लगाया हुआ है। तो दोनों का खास काम है, पॉ फिल्टर आपके जो भी हिसिंग साउंड होती है या आप जब प्रोनाउंसिएशन में जब भी इस टाइप की कोई वर्ड बोलते हैं तो ये उसे एलिमिनेट कर देता है और ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। और आपका जो शील्ड कवर है वो आपकी जो भी एम्बियंट नॉइज़ होती है, जो भी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में आपके एक अनवांटेड नॉइज़ होती है उसे ये एलिमिनेट कर देता है। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं ऑडियो क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। और मैं बता दूं कि आप जो इस समय ऑडियो सुन रहे हैं वो मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, तो ये बिल्कुल आप नेचुरल रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं।
और इसमें बहुत सेटिंग्स हैं ताकि कि आप इसे इन्हेंस कर सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी का, और कई चीज़ें सेटिंग हैं इसके अंदर, बट मैंने बिल्कुल भी बिना छुए इसको डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एडिट भी नहीं किया है मैंने इस ऑडियो को। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लग रहा है। मैं इस वीडियो के दौरान एक अपना एक जो इन माइक्रोफोन मेरा बिल्ट है कैमरे के अंदर उससे भी रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय, तो वो भी आप सुन सकते हैं और फिर आप जज कर सकते हैं दोनों की क्वालिटी के बीच कि उसका आपको कैसा लग रहा है और इसका आपको कैसा लग रहा है। और मैं इस समय अपने रिकॉर्डर से लगभग 3 इंच की दूरी पर हूँ और ये डिस्टेंस ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेट भी नहीं रहना है, तो आप नॉर्मली कैजुअली आप बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी मैं क्लोज़ होके भी दिखाता हूँ आपको और थोड़ा दूर जाके भी दिखाता हूँ, आप इंटेंसिटी का फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो अब मैं पास आ रहा हूँ तो ऑब्वियस की बात है कि ये बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा होगा और ये वॉइस ओवर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर मैं अब दूर जाता हूँ तो आप ये डिफरेंस महसूस करिए। अब मैं दूर जा रहा हूँ तो आप देख सकते क्वालिटी थोड़ी सी बैक पीछे से आवाज़ आ रही, थोड़ी कम होगी, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट फिर भी क्वालिटी अच्छी रहती है, मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होता। और अगर नॉर्मल दूरी पर रहिए, फिर से मैं उसी पोजीशन पे आ गया हूँ 3 इंच की दूरी पे, तो काफ़ी ये अच्छी रिकॉर्डिंग दे रहा है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।